नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट। सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर ए नेटवर्क। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिग्नल्स हमारे यूज़ होते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए ओवर ए नेटवर्क। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल विच आर मेनली यूज टू कैरी द डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों ही यूज़ होते हैं हमारे डाटा कैरी करने के लिए नेटवर्क के ऊपर, एक जगह से दूसरी जगह के लिए। अब मैं आपको एक डायग्राम शो कर रहा हूँ जिससे आपको इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो हो जाएगी कि ये कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये है हमारे पास एनालॉग सिग्नल और ये है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल हमारा साइन वेव के फॉर्मेट में होता है और डिजिटल सिग्नल हमारा स्क्वायर वेव के फॉर्मेट में होता है। इनको साथ साथ में मैं एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी लेवल ऑफ इंटेंसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें वोल्टेज जो आपकी है वो वेरी कर रही है टाइम के हिसाब से। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज है, उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, तभी हम इस लाइन में लिख रहे हैं इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी लेवल ऑफ इंटेंसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल कैन हैव ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ डिफाइंड वैल्यूज़। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं वोल्टेज की। जैसे अगर बाइनरी सिग्नल होगा तो दो ही वैल्यूज़ होंगी, 1 और 0। एन एनालॉग सिग्नल इज़ ए कंटिन्यूस वेव दैट चेंजेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ए डिजिटल सिग्नल इज़ ए डिस्क्रीट वेव दैट कैरीज इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। एन एनालॉग सिग्नल इज मोर प्रोन टू डिस्टोर्शन। मोर प्रोन टू डिस्टोर्शन मतलब एनालॉग सिग्नल में डिस्टोर्शन, नॉइस, एक्स्ट्रा वॉइस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एनालॉग सिग्नल में। ए डिजिटल सिग्नल इज़ लेस प्रोन टू डिस्टोर्शन, इसमें कम होते हैं। एनालॉग सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव, जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है। ए डिजिटल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव, आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं। बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल इज लो। बैंडविड्थ एक डाटा कैरी करने की कैपेसिटी जो होती है, बैंडविड्थ जो होती है एनालॉग सिग्नल की, वो कम होती है कंपैरिजन टू डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है, हाई होती है, इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे हाई स्पीड डाटा चाहिए होता है। एनालॉग डिवाइसेस यूज़ मोर पावर, जो एनालॉग डिवाइसेस होते हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, डिजिटल डिवाइसेस यूज़ लेस पावर। डाटा ट्रांसमिशन रेट इन एनालॉग सिग्नल इज स्लो। एनालॉग सिग्नल में जो डाटा ट्रांसमिशन का रेट होता है वो स्लो होता है, कम होता है, और डाटा ट्रांसमिशन रेट इन डिजिटल सिग्नल इज़ फास्ट, वहाँ पे ज़्यादा फास्ट डाटा ट्रांसफ़र होता है। ह्यूमन वॉइस इन एयर इज़ द एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। हमारी जो आवाज़ है अगर एयर में अवेलेबल है तो हम उसको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो एनालॉग सिग्नल है। और कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइसेस में जो सिग्नल यूज़ हो रहे होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।